इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में पहली बार आई है द लीडिंग लेडी ऑफ बॉलीवुड द ओरिजिनल दीवा शर्मिला टैगोर। ये चांद का रोशन चेहरा, गुलफों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, गुलफों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ओह माय गॉड, जोरदार तालियां बजती रहे इस यूनिवर्स की सबसे ब्यूटीफुल वुमन शर्मिला टैगोर, लेडीज एंड जेंटलमैन। वो a historic moment for Indian Idol. Thank you. The original diva from Satyajit Ray to Gulzar to Rishikesh Mukherjee to Dharmendra, sabki pehli pasand, 24 karat gold se bhi actress pure, two-time national award winner, Padma Bhushan, Sharmila Tagore. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैम थैंक यू सो मच इंडियन आइडल पे आने के लिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? मैं क्या बोलूँ, घर पे बैठ के एक टीवी स्क्रीन में इंडियन आइडल देखने का जो मज़ा है, मगर यहाँ आके आप सबके साथ ये जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी जो किया, इट्स सुपर एक्साइटिंग एंड दीज वंडरफुल जजेस। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ जजेस नहीं हैं, यू नो यू आर लाइक अ गुरु, लाइक अ मेंटर और कंटेस्टेंट्स। जैसे आप लोग कहते हो ना कि टैलेंट हो तो ऐसा बिल्कुल सही है। सो स्वीट। शर्मिला जी यहाँ पर आई हुई है, एक गाना हो जाए। आर यू रेडी? रेडी अच्छा, सो लेट्स डू इट। तस्वीर यार की आया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे चाचा जाना, कहो प्यार है तुमसे चाचा जाना, कहो प्यार है तुमसे चाचा जाना, कहो प्यार है तुमसे चाचा जा। चांद सा रोशन चेहरा, गुलफों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इंडिया, आपके कीमती वोट्स आ चुके हैं। जजेस बचे हुए कंटेस्टेंट्स को स्कोर्स देंगे और आज शो खत्म होने से पहले फाइनली हम आपको देंगे टॉप 14। तो बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, पूरी दुनिया को दिखाने के वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग, विनीत सिंह। मेरी क्या थी
ये रांझा के बातें, ये मजनू के कैसे, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ। छलकाए जा आए आपके आँखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जा आए आपके आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। शर्मिला मैम, कैसा लगा आपको? Enjoyed it very much. आपकी आवाज में जो एक रूहानियत है, कानों में गूंजती है इनकी आवाज, मुझे बहुत अच्छा लगा. छलकाए जाम, वी वर शूटिंग, उस वक्त मैं डबल शिफ्ट कर रही थी, लास्ट डे, और वो गाना कंप्लीट नहीं हो सका और मुझे जाना था कोलकाता, बिकॉज देयर वाज अ टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, एंड इट वाज आल्सो टाइगर्स बर्थडे. तो फिर मैंने जाके धर्म जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सटेंड करके कैसे भी हम गाना ख़त्म कर देंगे. एंड ही वाज सच अ स्पोर्ट कि हम सुबह 5 बजे तक शूटिंग की एंड वी फिनिश द सॉन्ग. गाड़ी में मेकअप उतार के फिर प्लेन पकड़ के कोलकाता पहुंची. सो स्वीट. मगर कितनी बुरी तरह से हारे हम वहाँ पे. और किसने सोचा था कि इतनी आइकॉनिक फिल्म और गानों के शूट इस प्रकार हुए हैं. बहुत मजा आ रहा है मैम.
जजेस विनीत की परफॉर्मेंस पे स्कोर्स दे दीजिए प्लीज. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, परफेक्ट गर्ल विदिप्ता चक्रवर्ती. जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी. हाय विदिप्ता. हेलो भैया. कैसा लग रहा है आज शर्मिला मैम के सामने आप उनके ही गाने परफॉर्म करने वाली हैं? ऐसे हमको लग रहा है कि जैसे कोई सुंदरता की मूर्ति बैठी हमारे सामने. सच्ची में ट्रूली एकदम, मतलब आपकी हर चीज ही आइकॉनिक है. जैसे कि आपकी आई मेकअप बोलो, फिर आपका हेयर स्टाइल, आपका साड़ी पहनने का जो तरीका है. एक बार मैम का वो आइकॉनिक लुक मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ. जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, देखिए. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, दिस इज नॉट नॉर्मल. ओह माय गॉड. हमने सुबह से ये ट्राई करने की कोशिश की बट हमसे हो ही नहीं पा रहा था. तो आप कैसे लगा लेती हैं मैम? तो आई हैव टू डेमोंस्ट्रेट इट आपको, फिर आप मुझे कोसेंगे जी भाई. माय मेकअप वाज सो गुड, आपने सब स्पॉइल कर दिया. क्या मैम, आप मेकअप लगाएंगी विदिप्ता पे? जाओ जाओ भाई, जाओ sure, जाओ जाओ. आई कैन ट्राई. माय गॉड, फिर बाद में मुझे डांटना मत. नहीं बिल्कुल नहीं. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम यू कम होम देन आई विल सी. थैंक यू. वाओ, फॉर एनी वुमन दिस वुड बी अ ड्रीम. मतलब मैम ने अपने हाथों से वो आइकॉनिक यू नो आई मेकअप किया. यू आर सो लकी. एकदम एकदम. चलिए अब एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए. ऑल द बेस्ट. Thank you.
Very good. बहुत अच्छा गाया आपने, really. Thank you, ma'am. मन खुश हो गया. Thank you so much. Thank you. मैं देख रहा था मैम आप इतना enjoy कर रही थी जब विदिप्ता गा रही थी. You were really enjoying yourself. Yes, I did. यहाँ इस वक्त मैं इतने enjoy कर रही हूँ. वैसे ही after श्रुति जित्रा आए, Rishida gave me all the good films, Anupama, Satyakam, फिर चुपके चुपके, और ये गाने में ओम प्रकाश जी, then धर्म, and it was the whole scene was so funny. And Rishida के साथ शूटिंग करने में इतना मज़ा आता था क्योंकि वो तो चेस खेलते थे और बहुत डर्टी डर्टी जोक्स सुनाते थे, बहुत ही डर्टी, जो यहाँ नहीं बोला जा सकता है. तो इट वॉज लाइक लॉट ऑफ फन वर्किंग विथ हिम. क्या बात, इट वॉज वंडरफुल. थैंक यू. वैसे मैम मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में भी एक ओम प्रकाश जी हैं. ओम प्रकाश जी की जब भी बात होगी तो विनीत की बात जरूर होगी. तो क्या आप ओम प्रकाश जी को एक बार लाइव देखना चाहती हैं, दोबारा उनकी मेमोरी को ताजा करना चाहती हैं? प्लीज प्लीज विनीत. मैम ओम जी आपको क्या बुलाते थे? ओम जी मुझे रिंकू बुलाते थे, क्योंकि रिंकू मेरा नाम है ना, तो सेट पे सब रिंकू बोलते थे. तो ओम जी रिंकू से जरा बात कीजिए. जय हो भगवान की कृपा है प्रभु की. अब बेटा रिंकू, अब पिंक साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो कि पूरा माहौल ही पॉजिटिव हो गया है. जय हो भगवान की कृपा है प्रभु की. अरे वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. जिस तरह से गाने परफॉर्म करते थे ना मैम, उसका जो अंदाज था बहुत ही अलग था. एंड जो एक्सप्रेशंस देते थे मैम, मतलब कत्ल करते लोगों का. मतलब मैम का क्लोजअप भी इतना ब्यूटीफुल टच हो, इतना कमाल का होता था. तो हम सब ने टीवी पर देखा है ना, लाइव तो हमने देखा ही नहीं. हम भी तो लाइव देखना चाहेंगे. ये बात तो एकदम सही कही नहीं वो आपने. एक कुछ प्लानिंग हो रहा है, ये सब प्लान करके मुझे. व्हाट इज दिस? सजन सावन में she was so good. I was looking at her and I couldn't really. You're wonderful. All your performances were very, very good. And I believe she's a very good girl, right? Yeah. Yes. She helps her mother. She cooks, which I can't. And ghar ki safai, vagara, vagara. And aap log sab manenge ki is industry mein talent bahut zaruri hai. Magar uske saath saath behavior. स्वभाव जो होता है दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई वॉज 17 व्हेन आई वर्क्ड इन कश्मीर की कली, पहली फिल्म. तो वो एक कॉमन है. एंड आई थिंक बिहेवियर टेक्स यू बियॉन्ड टैलेंट, तो वो याद रखना. एक बार शर्मिला मैम के जोरदार तालियां हो जाए मैम. थैंक यू सो मच. क्या बात है, मजा आ रहा है, क्या एपिसोड हो रहा है. शर्मिला जी थैंक यू सो मच मैम.
अलग ही एनर्जी है यार. हाय सोनाक्षी. हेलो भैया. कैसी हैं? भैया एक्चुअली मैं पहले शर्मिला मैम से थोड़ा बात करना चाहती हूँ. हाँ जी जरूर प्लीज. मैम नमस्कार. आमी बांगाली तो आज के तुम्हारे देखे हमार खूब 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 भल लगे. आमारो तुम्हारे संगे आलाप करे खूब भलो लगे. थैंक यू मैम. आमी तुम्हाके काकीमा बोले डाकते पारी. हाँ क्या काकीमा मासीमा दीदी दीदीमा व्हाटएवर यू वांट. थैंक यू सो मच. एखाने आसार जोन्नो आर आजके आमी तोमार दुटो तोमार फिल्मेर गान गाइछी. दुटो आमार भीषण फेवरेट. तो आमी चेष्टा करबो तोमार सामने भालो करे गाबो. निश्चयई. आमाके बुझते पारी ना. आमाके हिंदी बोलते पारी. आमी बुझते पारी ना. आमी बुझते पारी ना. अगर हम लोग हिंदी बोल सकते हैं बंगाल से आके क्यों आप क्यों नहीं बंगाली सीख सकते? सीखो बोलो बंगाली. एक टू चेष्टा करछी. ठीक था क्या? सोनाक्षी के लिए जोरदार पहली कनाता कोई यूं ही नहीं दिल
ग्राउंडिंग आया यार तुमने, क्या टच किए तुमने कॉर्ड्स यार, ओ माय दिल के कॉर्ड्स। थैंक यू सर, माइंड ब्लोइंग। शर्मिला जी क्या लेगेसी है आपकी, आपके गानों की, आपके परफॉर्मेंसेस की, ओ माय गॉड आगले लग जा, व्हाट अ फिल्म है, माइंड ब्लोइंग। एंड आरडी बर्मन जी हिस्टोरिक, अनबीटेबल, क्या गाया है तुमने सोनाक्षी, फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, यू वर वेरी गुड। आई मीन लुक एट लता जी का सॉन्ग एंड देन द वर्ड्स वर सो ब्यूटीफुल, इट वॉज वेरी गुड। आपने जो कहा इनके बारे में पहले, ये आलसी हैं। जी मैम। ये आलसी कैसे हो सकती है? नहीं है, नहीं हो सकती है, तो हाउ कैन शी सिंग सो वेल, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी माँ का बात, माँ इज ऑलवेज राइट, तो आपनार संगे आमार कोनो झगड़ा नहीं, आपनार संगे कोनो कन्ट्रडिक्शन नहीं, आपनी एकदम ठीक। किंतु मेरे ख्याल से नो, कभी कभी हम कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते, तो इसका मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं। और हमारे अंदर जो एक क्रिएटिव एनर्जी है ना, वो अपने फोकस थोड़ा सा बदलते हैं या स्टडी करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो आई थिंक यू आर लाइक दैट, डोंट यू एग्री? यू आर नॉट आलसी, आई डोंट बिलीव इट। थैंक यू, यस आई थिंक यू विल बी वेरी गुड आगे चल के। सोनाक्षी बहुत ही अच्छा गाया है आपने, जजेस सोनाक्षी की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सोनाक्षी के लिए। मैम आप हमेशा समय से आगे रही हैं, आपकी जो लव स्टोरी रही है लव स्टोरी मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जानने का, क्या कैसा रहा लव स्टोरी, कैसी रही आपकी, कैसे बनी? वेल यू नो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो इनफैक्ट माई होल फैमिली, क्योंकि कोलकाता के मतलब बंगालीज आर मैड अबाउट स्पोर्ट्स, और क्रिकेट और सिनेमा हमेशा फेवरेट रहे इंडिया में, राइट? बिल्कुल। तो आई वॉज नो एक्सेप्शन, क्रिकेट का भी शौक था और क्रिकेटर्स का भी। यू नो वी वर ऑल मैड अबाउट क्रिकेटर्स। तो जब मैं वक्त के लिए नैनीताल जा रही थी शूटिंग करने के लिए, तो उस वक्त दिल्ली होके जाना पड़ता है ना, तो मैं दिल्ली में थी व्हेन टाइगर स्कोर्ड दैट 200 डबल सेंचुरी इन दिल्ली। तो उस वक्त मैंने उनका टेलीफोन नंबर, उनको फ़ोन किया था, तो मेरा नंबर छोड़ दिया था, उनसे बात नहीं हो पाई। अच्छा, मगर आपने पहली मूव आपने की है, मतलब because we were mad about cricket, yaar. Wow. I mean, you know, cricket and cricketers and captain of India, so naturally, and we were very young. तो फिर बस तो नैनीताल शूटिंग की, फिर मुंबई चले गए। कुछ दो तीन महीने के बाद एक मैं जब वापस आई घर पर, तो मुझे मैसेज मिला कि किसी ने आपके लिए 5 रेफ्रिजरेटर लाए हैं। तो उस वक्त कस्टम्स के ज़माने थे, उस वक्त इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती नहीं थे, तो आई वॉज थोड़ा सा क्यूरियस, भाई क्या है ये, हु इज़ दिस इडियट स्टूपिड फेलो, क्या मैसेज छोड़ दिया। तो फिर मैंने फ़ोन किया, तो इट वॉज नो एल्स बट टाइगर पटौदी, कैप्टन ऑफ इंडिया। तो ही हैड अ वेरी फनी सेंस ऑफ ह्यूमर, और खुद जोक बोलते थे और खुद ही हंसते थे उसमें। तो एनी वे वी वेंट आउट, दैट वॉज द बिगिनिंग, दैट वॉज इट, दैट वन कॉफी डिड इट ऑल। और मैम जब आप दोनों का मेल मिलाप हुआ, तो फैमिली से किसी किस्म का रेजिस्टेंस या? अभी फैमिली का क्या, हम दोनों बॉम्बे में रहते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, मैं फिल्म में काम करती थी, तो हम लोग फैमिली को बता दिया, फिर उनका प्रॉब्लम था, वो दोनों ने सेटल किया, हमें शादी करना था, तो बस हमें फैमिली के बारे में नहीं मालूम। Most glamorous and beautiful couple for many, 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 many years. Thank you. आदि भैया आज हमारे साथ शर्मिला मैम हैं, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, like वो एक legend है, और
उनका हर गाना हर मूवी आइकॉनिक रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेशर की बात है. और मैं जो गाने गाने वाली हूँ दोनों लता जी के भी गाने हैं, तो और भी ज़्यादा नर्वसनेस प्रेशर है. तो मैंने एक लंबी सांस ली, अपने आप पर पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास है मैं ये परफॉर्मेंस बहुत यादगार बनाऊंगी. बिल्कुल सही किया आपने, अपने आप पे भरोसा रखो और शुरू हो जाओ. वेरी 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 ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. इनफैक्ट आप जब गा रही थी तो मैम थोड़ी इमोशनल लग रहे थे. बिकॉज आई नो दैट काव्याज पिताजी एक बहुत फेमस मशहूर सिंगर हैं, मगर वो यहाँ तक अपने बल पर यहाँ तक पहुँची है, विच आई थिंक इज जस्ट फैंटास्टिक. फैंटास्टिक.
एंड यू मौसम में जो आपने पहले गाना जो गाया वो मौसम का गाना था, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला. सो गुलजार साहब का लिरिक्स थे उसमें. सो यू सैंग इट ब्यूटिफुली, परफेक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने गजल गाया है, आपने स्विंग गाया, आपने ये दोनों गाने गाए. जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है आपकी, एंड जेन्युइनली आई फील दिस अबाउट यू वेरी स्ट्रॉन्गली, कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो, नॉट जस्ट अ सिंगर. आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो जो कि हर जॉनर को समझती है, जो कि वर्सिटिलिटी को अपना कॉलिंग कार्ड बना रही है. आप सब कुछ कर सकती हो. 360 एक दृष्टि है आपकी, जो एक कलाकार को होना बहुत बहुत जरूरी है. एंड आई रियली फाइंड दैट वेरी एडमिरेबल. थैंक यू सो मच. शर्मिला मैम, मुझे आपसे एक सवाल था. आपने इतने सारे लेजेंडरी आइकॉनिक मूवीज़ और सॉन्ग्स में आप हैं, आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर में ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं? काव्य, उस वक्त का जो माहौल था, इट वाज फाइनेंशियली, इट वाज नॉट लाइक इट इज़ टुडे. मुंबई के गर्मी में, यू नो, द ह्यूमिडिटी और हमारा सब बूफों एंड ज्वेलरी और साड़ी, और हम डांस कर रहे हैं अगस्त के महीने में, और एक उनके पास एक प्री हिस्टोरिक एक पंखा था, होता है बिग फैन, और हम सब उसको अवॉइड करते थे. जब मेरा बाल खराब हो जाएगा तो उसको भी अवॉइड कर लेते थे. हम लोग दिन में दो दो शिफ्ट करते थे, आप समझो. सुबह हम एक विलेज गर्ल है, शाम को आई एम अ वेरी मॉडर्न गर्ल. एक में यू नो यू नीड बिग नेल्स, नेल पॉलिश, एक में यू आर. सो वी कुडंट इवन मेंटेन कंटिन्यूटी. उस वक्त स्टूडियो के जो रूफ थे ना, उसके ऊपर बहुत पिजन्स होते थे. तो हम लोग सब ग्लिसरीन लेके, मूड लेके तैयार है, इतना लंबा लंबा डायलॉग है, तो वो क्लैपस्टिक लाके हमारे सामने खट 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 करके आवाज़ और आवाज़ करते थे, ताकि वो पिजन्स हट जाए. और हमें फिर देन स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन. तो वी वर जीनियस ना टू परफॉर्म इन दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस. और कोई किसी के पास भी स्क्रिप्ट नहीं होते थे. और हम, मैं तो बंगाली हूँ, अभी भी मुझे की कू का समझ नहीं है. और उस वक्त सेट पे डायलॉग्स लिखा जाता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल. और मेरे पीछे पड़ जाते हैं एन गैन और ये काफ गाफ. अभी तो आप जो 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 भी कुछ बोल दो, इंग्लिश इंग्लिश सब चलता है. और एक बात है, उस वक्त सिर्फ हेयर ड्रेसर्स और द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में विमेन होते थे. अब देखिए कितना विमेन पावर है. आई मीन टीवी इज रन बाय विमेन. आई मीन इट्स सो वंडरफुल दैट टू कम एंड सी दैट सो मेनी विमेन. सो आई थिंक दैट विमेन पावर इज ग्रेट नाउ इन द इंडस्ट्री. सो दिस यूथ पार्ट विद वर्किंग विद सो मेनी यंग पीपल, आई एम एनर्जाइज्ड. इनक्रेडिबल. That's off. That's off. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जिनकी वजह से फेमस हो गई मम्मी जी और उनकी सारी द नारी इन सारी सेन गुप्ता संचारी. माइंड ऑफ ब्लोइंग. रहे हैं भंवर खिल रही है चल कली. गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है चल कली. हाय संचारी. हेलो. कैसी हैं? अच्छे हैं. आज बहुत खुश नजर आ रही है. मतलब मैं तो मतलब उनके बहुत ही बड़ी भक्त हूँ. मतलब फैन बोलना बहुत छोटा हो जाएगा. मम्मी भी इतनी बड़ी फैन है. तो वैसे इधर शो में मैं जो साड़ी पहनती हूँ, वो साड़ी मम्मी ही अपने हाथों से पेंट करती है. तो वेरी गुड, वेरी नाइस. जब मैं मम्मी को पता चला कि आप आने वाले हो, तो तब मम्मी सोच रही थी कि क्या बनाए क्या बनाए उनके लिए. तो ये मम्मी बनाई. डिजाइन खूब सुंदर, हमें खूब भालो लगे. কত সময় লাগলো এই শাড়িটা করতে? তিন দিন. ও, তিন দিন মে ইনহোনে এই শাড়ি বানায়া. দিস ইজ দ্যাট টেরিফিক. ম্যাম, মে মতলব আপকি ইতনি জাদা ফ্যান হু. মতলব
क्या बताऊं, और आप इतनी एलिगेंट हैं, इतनी सुंदर हैं कि मैं जो बनाई हूँ सारे, मतलब उसमें वो फीका पड़ गया. मतलब आपको जब मैंने देखा ना, आप जब अंदर आई तो आपको देख के लग रहा था कि कोई देवी आ रही है. थैंक यू, थैंक यू. यहाँ से जब मैं जाऊँगी तो रात भर तो मुझे आई थिंक कल मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जो ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आई एम लाइक फ्लाइंग हाई नाउ. जरूरत yes. नहीं है, परियां परियां आसमान में ही रहती हैं. और मम्मी का और मेरा दोनों का ही मतलब बहुत मन है कि ये आप आपके पोर्ट्रेट के ऊपर आपका एक ऑटोग्राफ लेना था. हाँ, जरूर. अब ये सारी अनमोल हो गई है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए संचारी के लिए.
क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो अंधेरा होता है, यू सैंग सो वेल, एक मिस्ट्री और एक थ्रिलर एंड एवरीथिंग इन दैट, इट वॉज वेरी सेडक्टिव, वेरी गुड, आई लव्ड इट, लव्ड इट। जहाँ तक आपकी सिंगिंग की बात है, जेन्युइनली आपने उसमें अपनी रेंज, डायनामिक्स, कंट्रोल, हर चीज को बाकायदा आपने डिस्प्ले किया है कि आप कितनी टैलेंटेड सिंगर हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने इस गाने को चूज किया और बहुत अच्छा गाया, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। मैम, यहाँ आपके इंडियन आइडल के मंच पे आना, आपको पता नहीं कि हाउ बिग दिस इज फॉर अस। विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स। आपके गाने इतने अच्छे, आप इतना कुछ देके जा रही हैं यहाँ पे, यू हैव डन सो मच विद दिस शो। थैंक यू, बट इट इज दोनों तरफ से, आई एम ऑल्सो बीन वेरी एनर्जाइज, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू संचारी, जजेस संचारी की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए। संचारी, थैंक यू, वेल डन। आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आदाब अम्मा, आज यहाँ मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप हम सभी के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। आपको ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपके हमेशा इतना काम करने के बावजूद हमें कभी भी घर पर आपकी कमी महसूस नहीं हुई। आपने हमेशा घर एंड वर्क का इतना बैलेंस बनाकर रखा है। यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू अस एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, स्पेशली वर्किंग वुमेन। आपने हमेशा सारे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं एंड यू हैव कंटिन्यू टू कीप वर्किंग इवन आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन एंड गिविंग द बिगेस्ट हिट्स ऑफ योर करियर लाइक आराधना, अमर प्रेम, चुपके चुपके एंड सो मेनी मेनी मोर। यू हैव टॉट अस टू रिस्पेक्ट वर्किंग वुमेन, तभी तो मैं आज घर पर बैठकर तैमूर का ख्याल रख रहा हूँ एंड करीना लंदन में अपनी फिल्म शूट कर रही है। अम्मा के बारे में जितना कहूँ उतना कम रहेगा। जब हम अम्मा के साथ रहते हैं तो देर आर टू वर्ड्स दैट कम टू माई माइंड ऑलवेज, इज लव एंड सॉलिडैरिटी। शी इज समवन हु इज सो करेक्ट, समवन हु इज ऑलवेज सॉलिड इन एवरी फॉर्म, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ, विद तैमूर एंड जे, सारा एंड इब्राहिम, आई थिंक विद एवरीबडी। शी इज ट्रूली लाइक द ग्राउंडिंग फैक्टर ऑफ दिस फैमिली एंड वी आर ऑल वेरी लकी टू you know, be under her umbrella. I love you a lot. I respect you a lot. And I hope you have a fantastic show. आदाब अम्मा, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि जब आप मुंबई आते हैं तो आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे वो मौका मिलता है आपके साथ बॉन्ड करने का। हमारा रिश्ता तो बहुत ही करीब और गहरा है। आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल योर चिल्ड्रन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अभी भी अपने पैशंस को फॉलो करती हैं और आपको लोग कितना प्यार और इज्जत देते हैं एंड अभी भी आप फिल्मों में काम कर रही हैं। सो इट्स रियली वंडरफुल टू सी यू डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट यू एंजॉय एंड आई होप दैट आई कैन टेक अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम योर बुक। सी यू सून अम्मा, हैव फन। आदाब अम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू हैव ब्रॉट अस अप वेरी वेल, माशाल्लाह, बहुत प्यार से पाला है, डिसिप्लिन भी दिया है। यू आर ग्रेट एंड माशाल्लाह आई लुक अप टू यू। आप कितने ग्रेस और डिग्निटी से पेश आती हैं, आई एडमायर दैट अबाउट यू एंड आई थिंक आई गेट दैट अलॉट फ्रॉम यू। आपने घर कैसे संभाला मैंने आपसे ही सीखा। कीप स्टेइंग द वे यू आर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मदर एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस। आई लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम एट द शो। Thank you so much. Thank you. मुश्किल घड़ी आ गई है यार। Contestants, all the very best. और आप 15 के 15 इस वक्त देश के फेवरेट सिंगर्स बन चुके हैं। इतना प्यार आपको मिल रहा है। एक बार हमारे टॉप 15 के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। तो इस हफ्ते के जो जजेस स्कोर्स हैं वो मेरे हाथ में आ चुके हैं। जजेस के स्कोर्स के मुताबिक जो आज बॉटम 3 नाम हैं वो हैं चिराग, दूसरा नाम है शगुन और तीसरा और आखिरी नाम है
देवोस्मिता, आप तीनों में से सबसे कम वोट्स जिसे आए हैं वो नाम है शगुन पाठक। एक बार शगुन के लिए तालियां हो जाए। शगुन बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत एंटरटेन किया। शगुन टॉप 15 इंडियन आइडल सीजन 13 के तुम वो ब्यूटीफुल सिंगर हो जिसके बारे में विश्व भर में चर्चा हो रही है, वो कोई छोटी बात नहीं है। और ये सफर अब तुम्हारे लिए यहाँ से खत्म नहीं होता, शुरू हो रहा है। बिल्कुल। देखो स्मिता, चिराग, आप दोनों सेफ हैं, आप टॉप 14 का हिस्सा बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज आप अपनी जगह ले सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.